हेलो गाइस, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज है दिन ट्यूसडे का और ये टीका भी देख रहे होगे आप। तो मैंने फास्ट शुरू कर दिए थे, तो उसी वजह से पूजा वूजा की थी और हनुमान जी पे चोला चढ़ाया था। तो चेले से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। कौन चेला ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आपने देखा हुआ भी है और वीडियोज़ में मेरा एडिटर जो है उर्फ भांजा। तो चलते हैं यार उसके पास में। बड़ा ना मन कर रहा है उससे मिलने का, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं। तो चलो वहीं चल के मिलते हैं। तो पहुंच गए चेले के यहाँ। चेला दे रहा कोल्ड ड्रिंक। हमारा फास्ट है ना, फास्ट। हाँ, ट्यूसडे के फास्ट शुरू कर दिया मैंने। आज दूसरा है। ये भी कह रहा था, इसे बता दिया। यही सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा कुछ वो थोड़ी करना होता है। रखेगा तू भी? धीरे धीरे अकल आती जा रही है इसमें भी है। हाँ बेटे, अब शादी करनी होगी तुझे, इसलिए रख रहा है। पढ़ाई के लिए तो तूने ना रखे। बहुत जानू मैं तुझे, पता मैं क्यों आया हूँ? घर पे ना कोई भी नहीं था, नानी ऊपर थी और मामी गई हुई थी, मौसी सो रही थी। एक रुचि मौसी पता नहीं एडमिशन के चक्कर में गई है। मैं बहुत देर से सोच रहा चाय बनाऊँ, हिम्मत नहीं, मैं स्कूटी उठा के यहाँ आ गया। कोई भी नहीं था, नहीं मैं सोया थोड़ी हूँ रात से। हाँ बना दे, मामी ऑफिस गई है। मामी तो सो जाती है भाई, मामी मामी का सिस्टम अलग है। क्यों लेखपाल, चले आप घर? घर क्यों? घर पर तेरे लिए रशियन मंगा रखी है। क्या काम रह गया है? वो तो आना जाना सीखेगा इसे। बस करो, दिखाओ उसे, 5 रुपए की टिकट करवाओ और इसे भेजो। हाँ बस पे नहीं आता है तो मैं छोड़ जाऊंगा इसको। बस में नहीं आता है, वीआईपी हो रहा है तू। बस का बस का कोई सीन नहीं है, तू वीआईपी हो रहा है। रिजल्ट कब है? पता चलेगी बेटा, तू बहुत क्या कर रहा। अच्छा कर का है, 12th का रिजल्ट है फाइनल पेपर का। और चले तुम तो आ गए 8वीं क्लास में, चलो बढ़िया। कितनी परसेंटेज आई? रिजल्ट दिखाई तूने मुझे? दिखाई हो मार्कशीट? दिखाई हो सी मार्कशीट? देखते हैं तो कुछ वैसे तो बताया ही होगा। PDF ही दिखा दे, देखते हैं इसके मार्क्स कैसे आए। तो गाइस इसके पास मार्कशीट तो है नहीं, इसने वैसे ही मुझे PDF दिखा रहा है। ये 83 किस में इसके? 84 इंग्लिश में है। बाप रे, मैथ में कब है? मैथ में कितने हैं? मैथ में शायद 51 कुछ। इसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है? सब्जेक्ट है साइड में। कहाँ पे दिखा? तो मार्केट भी ऐसी ऐसी हो गई, हमारे टाइम पे तो दूसरी होती थी। ये तो सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा ही साइड में दे रखे। देखो गाइस बिल्कुल साइड में दे रखे हैं। और तो हिंदी में आए इसके 83, वेरी गुड। इंग्लिश में 81, मैथमेटिक्स में 51, 62, साइंस में 62। वाह यार, मेरी साइंस, मेरे हिस्ट्री, मेरी तो हिस्ट्री के साथ साथ ना भूगोल भी ख़राब थी, ज्योग्राफी भी ख़राब है मेरी। मार्क्स तो तेरे अच्छे आए हैं। हिस्ट्री पसंद नहीं है बस मुझे इसके किसी में भी। बस मैथ्स में थोड़ा सा ये हो गया है, 50 की क्या अप्रोक्स आया, मतलब 50 से नीचे किसी में नहीं गया, सब में ऊपर ही ऊपर है। चल वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, ऐसी करता रहा, बढ़िया बढ़िया। 10th में भी ऐसी करी। और तुम्हारा क्या हाल है भाई? तुम कितने ले आओगे? ये तो यूँ ही कह रहे हैं, जब से पेपर दिए देखते हैं, देखते हैं, देखेंगे इसके पापा तेल पर डंडा लगा कर देखेंगे उस दिन जिसके नंबर आएंगे। अरे जूनियर महमूद वाले बाल नहीं कटवाए तूने? कटवाएंगे, क्यों कटवाएगा? तू भी बदमाश हो रहा है। और चेली क्या हाल है? चेली के बेकार चेली बना रखी है लोंडे ने, कह रहा 12वीं के बाद बताऊंगा। अरे मेरी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाएगी, रखी रखी। मजा आ रहा है समर के अंदर, चाय ना बनानी पड़े इसलिए आ गया। गाइस कमेंट करके बता कौन कौन गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे, कमेंट करके। स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, मैंने देखा। जैसे इसके मास्क है ना भाई, मास्क बहुत अच्छे लगे मुझे इसके, बहुत प्यारे मास्क आए हैं। ऐसी मेहनत करता रहा ऐसी। और पता क्या सीन है इसके साथ भाई साहब, मैं जब भी फोन कर लूँ ये पबजी में लगा रहेगा या फिर ये एडिटिंग में लगा रहेगा, थंबनेल्स वगैरह बनाने की कोशिश करता रहता है। बाहर से इसने ना मेरा डिस्कॉर्ड भी नहीं बना हुआ अकाउंट, इन्हें बना रखा, लेकिन फिर भी इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए उस अकॉर्डिंग। नाना को बताऊंगा तेरे मार्क्स आज जाके, तो फॉरवर्ड कर दियो मुझे है ना, फिर तेरे को पार्टी मिलेगी और ये बैठ के शक्ल देखेगा। सही है, कॉफी पिला दी लोंडे ने, लेकिन ये अब घर में अकेला भी होंगे, इससे सवाल जवाब। पता क्या नाम है तेरी चेली का? कुछ नहीं। साले झूठ बोल रहा अभी तो, बोला नाम बता दे नहीं तो तेरी बक्की बक्की में दे दूंगा। कौन है बताओ ये? ये खचरा। खचरा, खचरा का नाम है अमन। वहाँ वहाँ दिल्ले बता रहा हूँ, नाम बता ऐसी बोलता है ना। कचरा गाइस, वी आर कचरा है, मेरा कचरा। इसके बारे थे कचरे जैसे, ये कचरा असली वाला कचरा।
अच्छा बालों का रास्ता बता दे क्या है, क्या फिल्म है ये? है ये बारिश बार मैंने गलत कटवा लिया। कौन से मोची से कटवाए हैं? सोचा था इस बार बढ़ा के देखते हो कैसे लगते हैं। बढ़ा के देखा था चूतिया लग रहा था है ना, कटवा ही दूंगा छोटे वाली रहूंगा। हाँ कटवा लियो नहीं तो बक्की बक्की में दे दूंगा। अपना चेला भाग गया ना, वही आऊंगा ना तब कटवाएंगे। चेला सही करता था, चेला भाग गया। हाँ वो बढ़िया काटता था, चेला बढ़िया काटता था बाल। हमारा एक फ्रेंड था वो काटता था भाई, बाल काटने में 2 से 2.5 घंटे लगाता था। पता नहीं जब बाल समझ में नहीं आते थे क्या था, मगर जब काटता था। कई बार मैंने व्लॉग्स में भी दिखाया है, देखा भी होगा एंगेजमेंट वाले व्लॉग में, इसी की कटिंग कर रहा था वही बंदा भाई। इतने बारीकी से बाल काटता है ना, बहुत तगड़े तरीके से। व्लॉग में तो गोरा लग रहा है। मेरी आँखों में ना नींद भर रही है क्योंकि मैं ना सोया नहीं, जैसे मैं बता रहा था आपको, और घर जाकर सोने को भी नहीं मिलेगा। भानु कह रही मुझे लेने आ जाना अभी से ही, शाम तक कह रही सोना मत। भानु को भी कहूँगा ये, हाँ बता रहा हूँ अपने आप घर आ जाएगा। नहीं कैसे बोलता मोटा, कैसे बोलता तूने देखा है? मोटे मोटे लैला से मोटा क्या कहता? अच्छा दाढ़ ऊंची दाढ़। तू विक्स की गोली खाया कर साले। ऐसी होता है ना। गाइस जाता हूँ थोड़ी देर घर, थोड़ा सोने को मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, फिर देखते हैं। शाम को आएगी, पहले तो उसका फोन बजेगा, वो नींद से उठा देगी, एंड देन उसके बाद फिर आँख तो वही खुलवाई। खैर पहली कह रही थी मेरे को कि सो जाना टाइम से। गरीब को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। तू गरीब है? हाँ। कहाँ से गरीब? मेरे से बड़ा गरीब है कोई? कहाँ से गरीब है वही तो पूछ रही हूँ। अच्छा पापा दीशो के नंबर बड़े अच्छे आए हैं। कितना है? उसके साइंस में 84। हाँ SST में है उसके 81। मैथ में है 51 और इंग्लिश में 83 और हिंदी में 83। नहीं उसकी कोई डिवीजन नहीं आई, लेकिन वो नंबर अच्छा है। 75 के अप्रोक्स बना के दी, समझ नहीं आई मुझे उनकी कैसे बना के दी। 75 तो नहीं बनती। मैथ का स्कोर डाउन है 51। अपने पापा से उतना ही हो गया थी गलती से, कह रहा पापा मेरे ना 100 में से 27 नंबर आए हैं। पिट पिटा लिया, बाद में देखा कि 100 में से 83 है। 100 में से नहीं देखे थे, वो यूटी वाले नंबर देख के बता दिए अपने पापा को। हाँ अब गया है, 9th क्लास में गया है। 9th नहीं 8th में शायद, 8th में। अब सोए थोड़ी देर, बहुत देर हो गई भाई, ये तो बड़ी आराम करते, बहुत कम टाइम मिलेगा सोने का। A few moments later आ गई अभी ऑफिस। ऑफिस आने के बाद करे तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे नींद से जगाने के बाद, उसके बाद घर लेकर आने के बाद करे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों भाई? देखो मेरे पर डाल देते सारे इल्जाम, मेरे ऊपर डालते कह रहे तुम मेरे से बात नहीं करते। अगला आदमी नींद से उठ के लेने गया इसको और फास्ट में हो गई करी, बात तुम नहीं करते। तुम्हें नहीं पता मेरा फास्ट है? हर ट्यूजडे मेरा फास्ट होता है, सुबह नहीं बताया था मैंने? तो ये भूल गई ना ट्यूजडे है, ये तो ये पता है कि ट्यूजडे मेरा फास्ट रहता है। ये चाय बना रही, अरे यार दीशु के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, उसके 80+ मार्क्स आए हैं किसी में, साइंस में 81 83 ऐसे ऐसे करके रैंक नहीं दी यार उसको, बताओ सिर्फ मैथ्स में 51 है इस वजह से फिर उसको रैंक नहीं दी। हाँ लेकिन यार जिस हिसाब से वो खेलता है ना गेम वगैरह, पता नहीं वो कम में पढ़ लेता है। कैसे बच्चों? बात मत करो यार, चाय तो बना दो एटलीस्ट मेरे लिए। ठीक है फास्ट है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय तो बनेगी ना। सोया भी 2 घंटे था तुम्हारी वजह से, तुम्हें लेने जाना, इतना अच्छा पाते काम मिलेगा। चाय बना दो और मैं देख रहा हूँ मैच यार, पता है मैच नहीं छोड़ता मैं, जिम भी नहीं जाना हो रहा, तो हो सकता है आज जिम चले। ये कह रहे थे जिम छोड़ दिया क्या मैच के चक्कर में? छोड़ नहीं दिया यार, जाना नहीं हो रहा, थोड़ा सा काम में भी अड़ गए थे। आज मत जाओ। क्यों? आज फास्ट है ना तो कुछ खाए जाके बैठ जाऊंगा करूंगा यार। क्या फायदा यार, घर में नहीं रुक सकते? अरे काफी लोग कॉल कर रहे हैं यार मुझे। नहीं यार मत जाओ आज, चलो देखते हैं। मेरे चक्कर में तुष्की की भी छुट्टियां हो रही हैं, तो इन्होंने भेज दो। चलो देखते हैं, तुम चाय लियो पहले। जिम तो जाने नहीं देती है मुझे, जिम जाने नहीं दिया इसने मुझे। तबीयत खराब नहीं यार, आज ना बहुत टाइम बाद स्कूल का एक फ्रेंड आया था, चड्डी बड्डी फ्रेंड था। बहुत टाइम बाद स्कूल गया था। नहीं फ्रेंड आ गया था तो उसके साथ जाना पड़ गया, वहीं टाइम हो गया,
अबे जिद कर रही है बाहर जाने की, क्या है बाहर क्या करना है? बादाम शेक पी लेना। मैं पी लूँ और वहाँ जाके देख लो दो ग्लास लेगी, चल लाओ देख लो भाई। तो अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। एक दो एक तुम मैं सॉफ्टी सॉफ्टी एक लार्ज बादाम शेक और एक सॉफ्टी चॉकलेट लार्ज एटी वाला और ये ना चिक्की वाला एटी वाला है दो भी है तुम नहीं रहोगी ले लो मेरे को सॉफ्टी लेनी है सॉफ्टी ले रहे हैं चॉकलेट ही डालना बादाम शेक पीना है आ गया बढ़िया बढ़िया अपना बादाम शेक व्रत के हिसाब से बढ़िया चीज़ है ये आइसक्रीम खा सकते हैं ना फास्ट में खा लेते हैं आइसक्रीम तो खा सकते हैं ज़्यादा वो थोड़ी है वनीला ही तो है तुम सॉफ्टी ले लो इतने में स्टार्ट कर रहा हूँ सर बना रहे हैं भाई बना रहे हैं खाली चॉकलेट ही बनाना भैया चलो मैं फिनिश करता हूँ पहले इसको चेरी डबल डबल खा रहे थे को पहले खत्म हो गई थी वजह से दोबारा चेरी मांग ली इसने ये रो हर बार ऐसी करती है हो गए हाथ में ले रखी है ऐसे खाएगी जैसे वो नमक लगा खाते हैं ना ऐसी खाते ना नमक लगा के टिश्यू तो ले लूँ मैं तो गाइस अभी ना वो शेक वेक भी क्या था आपने देखा आके एक बहुत ही अजीब अजीब से न्यूज मिल रही है वो अजीब अजीब से न्यूज क्या है भाई तेरी एज क्या है 21 और तू लगता क्या है उसका मामा ससुर मामा ससुर अरे ये है मामी सास मामी सास और तू मौसी सास और तू मौसी मौसी और मौसी बताओ यार क्या क्या इसमें क्या क्या बन गए बच्चे जो दीदी की जो बेटी है उसका उसका हुआ ही है मामा ससुर कजन सिस्टर का है ना 21 साल की उम्र में कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है ससुर जी बन के अजीब लग रहा बहुत है सुन के भी अजीब लग रहा है फील आ रही है मैनेज कर लेगा गाइस देखो आरसीबी हार गई आज फिर से पैसा 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 चल रहा है और पीछे मुझे लग नहीं रहा है कुछ कर पाएंगे हाँ तो मामी सास हाउ आर यू मामी सास तो भूतली से हो रहा है क्या तुमने बात करा अब तो मामा सास हो मामा सास नहीं मामा ससुर भाभी तो भी डरी थी अरे देखो वो देखो देखो ऐसे ऐसे सुनो 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 देखो बड़े भैया ठीक है उनकी बहन अभी आशु का मैं क्या लगता हूँ मामा लगता हूँ ना ऐसी उनकी बेटी का क्या लगूंगा मैं मामा लगूंगा वो मैरिड है ठीक है उसका मामा होता उसके हस्बैंड का क्या हुआ मामा ससुरी तो हुआ मोटी बुद्धि और उनके बच्चों के तो तुम नानी लगोगे नानी ओ जवान नानी ना उनके हस्बैंड की साली हाँ उनके हस्बैंड की साली और उनके साली। बच्चों की मौसी मौसी तो छोटी सी साली क्या कह रही है तो सही हम पे तो वो भी नहीं है अभी इसी बात पे बहस लड़ा रहे हैं सारे बहन में तो जीजा कहाँ से होंगे रियल सिस्टर कहाँ है गाइस गाइस एक बात बताओ उनकी जो हमारी भाई है ना हमारी भी शादी होने वाली है तो उसके भाई मम्मी के भी कोई जीजा नहीं है नन्नी मां के बेटे हां प्रांशु भैया उनकी भी शादी है हां फिर से एक बार हम मामा ससुर और मामा सास बनने वाले हैं मैं सबसे बड़ी हूं यहां पे सबसे छोटी फिर भी मैं सास बन गई हां देख रहे हो सही मुझे में सही एक्सपीरियंस मिल रहा है अच्छा लग रहा है कोई रोप चलाने वाला मिल रहा है रोप चलाएंगे हम दामाद जी पैर छू पैर छू क्या ना सिस्टम चल रहा है गाइस टीचर ना बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती है अभी दिखाता हूँ ब्लॉगिंग कैसे करती है देखना आपको देखने के लिए मिलेगी सो गाइस चाचू ने बोला था कि मैं ब्लॉग बना के दिखाऊं तो चाचू कैसा लग रहा है कैसा क्या लग रहा है तू ब्लॉगिंग करती तो है मैं क्या करता हूँ थोड़ा बहुत ही तो करता फिर भी कैसे करती हूँ ब्लॉगिंग नौ साल की नहीं हुई 8-9 साल का बच्चा नहीं बोला मैंने जब बड़े होने का ज्यादा शौक है कैसे करते हैं ब्लॉगिंग कैसे करते हैं मेरे को नहीं आती तो आप कर ही तो रहे हो कैसे थोड़ी करते हैं फिर कैसे करते हैं ठीक है हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ओके ऐसे ऐसे करती है ये ब्लॉगिंग अभी ना फ़ोन पकड़ने में डर रही है क्योंकि फ़ोन एक तो अभी लिया और दूसरी बात यह कि इसको ना थोड़ा बड़ा लग रहा है हाथों के हिसाब से फ़ोन तो बड़ा लगता ही है ना तो ब्लॉगिंग तो सही करती है एक दिन पूरा फुल डे ब्लॉग यही लाएगी
बट यार ये रहता है कि बार बार करना थोड़ा सा फोन का इशू रहता है, आजकल तो बड़े बड़े बच्चों से छिन जाता है, ये तो फिर भी बहुत छोटी है। तो गाइज आज का दिन सुनो यार तुम मेरे को नहीं, क्या कुछ नहीं यार मेरे को डांटो, बोलो 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 पहले बोलो, प्रॉमिस डांटूंगा नहीं, प्रॉमिस नहीं डांट रहा, मेरे को शॉपिंग करा दो यार, कपड़े खत्म हो गए, हो जाएगी शॉपिंग भी और दूसरा कोई काम ही नहीं रहता। सुनो फोटो लगाओ, चलो लग जाएगा 12 बजे फोटो लगेगी। एक तो वैसे नींद आ रही है गाइस, मैं सो नहीं पाया था और 2 घंटे सोया था, इसने फोन कर दिया और उसके बाद कह रही मेरे से बात मत करना। नहीं, बहुत ज्यादा आलसी है क्योंकि जब हम वैष्णो देवी गए थे, हम दिसंबर में गए थे, जनवरी फरवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हो चुके हैं हमें, 3.5 महीने हो गए और अभी तक फोटो नहीं लगी है। वो तो फोटो लग जाएगी यार, हाँ नहीं तो यार इतने, अरे यार ड्रिल से लगेगी ऐसे ही फट जाएगा, तो किसी को बुलवा लो, बुलवा लेंगे। हाँ तो गाइस अब यार बहुत तगड़ी वाली नींद, एडिटिंग भी सुबह करेंगे, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और जय श्री राम।